गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे पास पैनासोनिक का 42X30 मॉडल है। ये 7 ब्लिंक में है, 7 ब्लिंक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लिंक में ये प्लाज्मा हमारे पास आया है। 7 ब्लिंक का मतलब होता है हाई बोर्ड शॉर्ट। हमारा फर्स्ट टेस्टिंग है, ये सब कनेक्टर निकाल देंगे हम, वाई बोर्ड से जो कनेक्ट है ये बफर निकाल देंगे, उसके बाद में इसको पावर देके देखेंगे कि हमारा वीएस वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। रिले ट्रिगर हुआ, 183 वोल्ट हमारा प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब हमारा बाकी का जो सेक्शन है वो ओके है। ओके मीन्स वोल्टेज हमारे सारे प्रेजेंट है, पावर सप्लाई काम कर रही है, मदरबोर्ड काम कर रहा है, जेड बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि एक सप्लाई जेड बोर्ड को भी जा रही है यहाँ से। जो शॉर्टिंग है हमारा वो वाई बोर्ड में है, इसका वाई बोर्ड हम निकाल लेंगे। ये वाई बोर्ड हमने निकाल दिया है, मीटर हमने डायोड की रेंज में रखा, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहां पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहां पर भी शॉर्टिंग है, मतलब ये और ये मॉस्फेट हमारे शॉर्ट हैं। अब हम ये दोस्तों, ये जो पेयर में मॉस्फेट लगे होते हैं ये कभी भी दोनों मॉस्फेट साथ में चेंज करने हैं। कई बार क्या होता है, एक मॉस्फेट सही है और एक मॉस्फेट ख़राब होता है, उस कंडीशन में भी हमने वो मॉस्फेट पेयर में ही चेंज करने हैं। देखिए हमारा शॉर्टिंग ये क्लियर हो गया, ये सभी मॉस्फेट ओके हैं। एक कोल्ड टेस्ट में हम फिर भी एक बार देख लेंगे इसको, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ये भी हमारा ओके है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये जो बफर आईसी लगी है ना हमारी, ये जो बफर आईसी है ये भी सेक्शन हैंड टू हैंड चेक कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ये भी हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम ये मॉस्फेट पुट अप कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो मॉस्फेट और ये दो मॉस्फेट, ये दोनों हमने चेंज कर दिए हैं। ये दोनों मॉस्फेट 63K2 हैं और ये दोनों 30F132 हैं। अब क्या होता है कि इनका जो गेट ड्राइव सर्किट है, ये सर्किट भी हमें चेक करना होता है। जैसे कि ये गेट से रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, सेम इसी तरीके से इसकी रेजिस्टेंस लगी हुई है यहां पर। अब ये कहां जा रहा है, ये या सर्किट आता है हमारा यहां पर, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगी है। तो ये सर्किट जो है ड्राइव सर्किट, ये भी चेक करना होता है, नहीं तो हमारे मॉस्फेट वापस उड़ा देंगे। अभी इस कंडीशन में हमारे ड्राइव सर्किट बराबर है, तो अभी हम इसको सेट पर लगाकर चेक करेंगे। अभी ये वाई बोर्ड हमने इसमें फिटिंग कर दिया है। अभी हमारा क्लियर है, वीएसए यहां कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। देखिए हमारा वीएस वोल्टेज 183 आ चुका है। TPSN 1 वोल्टेज है 43, ये VAD वोल्टेज है 106 और ये TPVSS वोल्ट है हमारा। MOSFET में कोई हीटिंग नहीं है। अभी एक वोल्टेज मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा जेड बोर्ड से आउट आ रहा है सप्लाई, वो 118 है, 118 वोल्ट है। अगर हम इसको सिनो में डालेंगे, तो हमारा 108 वोल्ट रह जाएगा। मतलब अगर एवी या एचडीएमआई में रहेगा तो वोल्टेज ज्यादा रहेगा। उसकी वजह है म्यूट में स्क्रीन रहती है। ये हमने कनेक्ट कर दिया, हमारा टीवी अभी चालू हो गया। ये सेट हमारा रेडी हो चुका है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको वापस बता देता हूँ, पैनासोनिक X30 मॉडल है ये। दोस्तों इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और फेसबुक पे जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।